बहुत शुक्रिया। अभी वेदर जो है ड्राई चल रहा है पिछले लगभग एक दो हफ्तों से, और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर एक्टिविटी फ़िलहाल नहीं है, और लगभग 22 दिसंबर तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। और एक फीबल WD खासकर 16 के आसपास अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा क्लाउडीनेस हो सकता है खासकर 16 और 17 को, और मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा बेहतरी देखने को मिलेगा। बाकी ठंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा लगभग 22 दिसंबर तक, और वैसे भी अभी जो पीक विंटर है यहाँ का चिलाई कलान का जो पीरियड है वो 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और फिलहाल वेदर भी ड्राई है। आने वाले दिनों में ठंड जो है थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ेगा। फिलहाल जो फॉगी वेदर कंडीशंस हैं और उसके साथ साथ स्मॉग, ये भी कंटिन्यू रहेगा अगले 10 दिन तक, और ठंड में जो मिनिमम टेम्परेचर है आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है एक फीबल WD के कारण, और थोड़ा सा क्लाउडीनेस था। बाकी जो ड्राई वेदर कंडीशन है ये अभी कंटिन्यू रहेगा लगभग 22 दिसंबर तक। बाकी जो ट्रैवल करते हैं खासकर सुबह शाम, क्योंकि फॉगी वेदर कंडीशन से थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करें, और गर्म कपड़े अपने साथ रखें खासकर जो हायर रीच में ट्रैवल करते हैं। और इसी तरह सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उसके लिए खासकर बच्चों को और बुज़ुर्गों को मास्क जो है थोड़ा सा लगाना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन लोड काफ़ी ज़्यादा है। तो माइलेज में कुछ इंक्रीज हो जाएगा? अभी फर्दर जो है डिप होने के चांसेस हैं, 16-17 को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, पीक विंटर आना अभी बाकी है, तो ऐसे में -5 -6 तक ऑलरेडी जा चुका है, तो इसी यही ट्रेंड जो है कमिंग डेज में भी फॉलो करेगा।